हे एवरीवन, स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोगों में बताने में गाइस, यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोग तो दावे के साथ कहते हैं कि आप अपने VPN सेटिंग करो और अपने 4G नेटवर्क को 5G में कन्वर्ट कर दो और अपने इंटरनेट स्पीड को 100 Mbps स्पीड में यूज करो, अपने इंटरनेट स्पीड भी इंक्रीज कर दो और अपना पबजी खेलते वक्त भी अपने पिंग को लो कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत फर्जी वीडियोस लोग बनाते हैं, लेकिन गाइस उन लोगों को तो खुद नहीं पता होता है कि कैसे VPN सेटिंग कर सकते हैं, गाइस बेहतरीन तरीके से करते नहीं है। तो गाइस सही माने में यानी रियलिटी क्या, गाइस आप अपने VPN सेटिंग करके अपने इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हो? तो एक शब्द में आंसर आता है यस, कि आप अपने इंटरनेट तो कर सकते हो, लेकिन गाइस आपको VPN सेटिंग एकदम बेहतरीन तरीके से करना होगा। अगर आप VPN सेटिंग बेहतरीन तरीके से नहीं करोगे तो फिर आपका VPN सेटिंग काम तो करेगा लेकिन आपको जो इंटरनेट स्पीड नहीं मिलेगा, जैसे कि गाइस आपको चाहिए 100 Mbps तो आपको नहीं मिलेगा और आपको चाहिए पबजी में पिंग्स आए तो फिर और हाई आएगा। लेकिन गाइस मैं इस वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे अपना इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हो और फिर कैसे अपने पबजी खेलते वक्त आपका पिंग्स लो आए। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही गाइस इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम अपने स्क्रीन पे चले आते हैं।
ओके गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया और मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ बता दिया कि कैसे आप अपना एपीएन सेटिंग कर सकते हो। बेस्ट एपीएन सेटिंग मैंने बताया, आप अपने 4G नेटवर्क को कैसे 5G नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो और 100 Mbps से आप नेट यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही पबजी खेलते वक्त आपका पिंग्स भी लो रहेगा। तो आई होप गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो एक इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि आपके दोस्त को ये प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद डॉक्टर एरर।